जरूर जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन जिस हिसाब से दबंग ने स्टार्ट किया, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। सचिन जोशी, शाबाश सचिन, इंटरेस्टिंग पहले स्पिनिंग ऑप्शन है। शाबाश शाबाश। और के जिस तरह से मनोज तिवारी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वैसा लग रहा है ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक पीकर ही आए हैं। एनर्जी ड्रिंक एक चीज होती है और दूसरी चीज यह है कि वो होम क्राउड के होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम क्राउड के सामने, दैट इटसेल्फ इज ग्रेट मोटिवेशन। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और यहां पर बहुत ही बढ़िया सोच स्पिनर को, स्पिनर से शुरुआत की है। पिछले ओवर में अंतिम गेम पर एक बाउंड्री पड़ी थी, मिस फील्ड हुई थी, और आउटफील्ड इतनी तेज है कि एक बार अगर आपने मौका गवाया तो फिर रोकने का कोई नाम ही नहीं लेती है गेंद। 14 रन बन गए अब तक 1.1 ओवर। वापस वही चीज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे देवांग, जिस हिसाब से अगर स्लोअर बॉलर स्लोअर थ्रू द एयर डालने की कोशिश करते हैं तो रन, इट्स नॉट इजी टू गेट दोस रन्स। बिल्कुल, आप अगर गेंद में गति नहीं देंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए उसे मारने के लिए। जोर लगाना पड़ेगा, तेज मारना पड़ेगा, तब संभावनाएं बढ़ सकती है बल्लेबाज को आउट करने के लिए। ये समर्थक यहां पर सुबह से हमने, दोपहर से हमने देखा है, ये टीमों का साथ देते हैं। और ये स्वीप शॉट, बेहतरीन स्वीप, चौका, थोड़ी सी ओवर पिच थी इस बार जोशी से और उसका भरपूर फायदा उठाया प्रवेश लाल यादव ने। बहुत ही बढ़िया शॉट कहूंगा, पता है फील्डर कहां तैनात किया है, सर्कल में सभी फील्डर अंदर की तरफ थे, डीप में कोई फील्डर नहीं था पीछे, और बिल्कुल सही टाइमिंग और सही दिशा में खेला ये शॉट। बड़ी तेजी से रन आ रहे हैं यहां पर। एक और बार बेहतरीन शॉट ओवर द इनफील्ड और ये छक्का, बढ़िया शॉट, एक और बार ओवर पिच डिलीवरी और एक और बार बल्ला घुमाया। ये पारी का दूसरा छक्का और इस बार यादव के बल्ले से, ओवर पिच गेंद थी, पीछे कोई भी फील्डर नहीं था, बढ़िया टाइमिंग थी। 24 रन, वाकई में लग रहा है आरके ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक पीकर आए हैं। पारी किनारा, लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे और एक चौका मिलेगा। महंगा ओवर समाप्त, 28 बगैर कोई नुकसान। बेहतरीन शॉट, एक और चौका मनोज तिवारी के लिए। आपने पहले एक वर्ड का इस्तेमाल किया, बिंदास, ग्रेट एटीट्यूड मनोज तिवारी और दबंग हीरोज साइड, जिस हिसाब से उन्होंने इस गेंद को खेला। मैं बिंदास के साथ और दो शब्द जोड़ना चाहूंगा, दिलेर और दबंग। मनोज तिवारी कप्तान आगे से नेतृत्व कर रहे हैं, अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए हैं, वो रुक कर नहीं खेलेंगे आज। 5 गेंद में 13 रन बना चुके हैं, 260 की स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं।
बिग ब्रदर फाउंडेशन जो एवरी रन के लिए इट कॉन्ट्रीब्यूट 1,000 रुपीज। जो इंटेंट जो है इस टीम का भोजपुरी दबंग का इट्स जस्ट वंडरफुल। और आरके जो सबसे बढ़िया बात लगी है, ढाई ओवर हुए हैं, सही चुनाव किया है यहाँ पर भोजपुरी दबंग्स ने, सही चुनाव बहुत ही आवश्यक। ऐसा नहीं कि हर गेंद पर शॉट खेल रहे हैं, लेकिन इस बार बढ़िया शॉट खेला था, एक रन मिलेगा। कई बार बल्लेबाज बहक जाते हैं कि आज सोच के ही आते हैं कि सिर्फ बल्ला घुमाएंगे, अंधाधुन बल्ला घुमाएंगे और रन मिल जाएंगे, लेकिन क्रिकेट में वैसा नहीं होता है। आपको सही गेंद का इंतजार करना है। स्लोअर गेंद थी लेकिन परख लिया। मनोज तिवारी पूरी तरह से चौकन्ने हैं। तीन ओवर की समाप्ति पर 34 रन बिना कोई नुकसान के दबंग। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जो है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सुपरस्टार्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, बट 100 हार्ट्स इनिशिएटिव जो चीज़ है, CCL5 विल स्पॉन्सर 100 हार्ट सर्जरीज फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। सम्राट रेड्डी quite number of costumes these days, cricketers, the inners to keep you warm is mausam mein bilkul aur bahut hi avashyak ban jata hai, khas taur se jab itni sardi padti ho, aur kapdon mein bhi kai badlav dekhe hain, itne bhari nahi, ek zamana tha hamare arse mein hum log sweaters pehante the, kafi bhari hua karte the, lekin aajkal ke kapde kafi halke hote hain। फुलर लेंथ, बहुत जोर से मारने की कोशिश, लेकिन भोजपुरी दबंग्स ने यहां पर एक विस्फोटक शुरुआत दी है अपनी टीम को। यादव और तिवारी, एक और गेंद और एक और शॉट और एक और चौका, बेहतरीन शॉट प्रवेश लाल यादव के बल्ले से। यहां पे बिल्कुल जोर से मारने की कोशिश नहीं की, हालांकि गेंद हवा में थी और वही इरादा था, 30 यार्ड्स के दायरे में जो फील्डर खड़े उसके ऊपर से मारे, और एक बार फिर हमने देखा कि आउटफील्ड कितना तेज है। अपील जरूर थी लेकिन डेफिनेटली गोइंग डाउन द लेग साइड। 39 रन्स में लगभग 32 रन जो हैं बाउंड्रीज में आए हैं। हंड्रेड आर्ट्स इनिशिएटिव please donate at hrudaya.com hrudaya.com to save a life।
लेकिन इस गेम में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जिस हिसाब से केरला स्ट्राइकर्स ने स्टार्ट किया था लास्ट गेम, उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो 189 बनाएंगे, या फिर जिस हिसाब से मुंबई हीरोज ने स्टार्ट किया था ऐसा लग रहा था कि आराम से बना देंगे 190 रन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो ये ऐसा गेम है, T20 गेम, कुछ भी हो सकता है। अभी पावर प्ले है, क्रिकेट में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, अनिश्चितताओं का खेल है और काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखा था पिछला जो मैच हुआ, बहुत ही रोमांचक। और यहाँ पर थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी, इस मैच का ये पहला वाइड। आज दोपहर से हम लोग वाइड का सिलसिला देख रहे हैं और अभी भी जारी, नियंत्रण का अभाव। दो खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये वेल हेल्ड इवेंचुअली, बढ़िया कैच अंडर द लाइट्स, हमेशा मुश्किल रहता है, गुड कॉल इवेंचुअली। और इसी के साथ भोजपुरी दबंग का पहला विकेट गिरते हुए प्रवेश लाल यादव। इस बार फिर से ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन इस बार टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं हुई, हवा में खेल दिया शॉट, आसान सा कैच दिया, 24 बनाकर प्रवेश लाल यादव आउट हुए 41 पर एक। और हर बॉल को मारने की कोशिश, लेकिन इस बार मनोज तिवारी बोल्ड होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। बहुत ही बड़ा झटका यहां पर, दो बॉल में दो विकेट, ग्राउंड में पूरी तरह सभी दर्शक खामोश, मातम का माहौल सा हो गया लग रहा है। और क्या हम लोग इसी सुनिश्चितता का बारे में बात कर रहे थे और वही हुआ, मनोज तिवारी वापस पेविलियन, 15 बनाए 41 पर 2।